कई बार होता ये है कि जब मुझे आपके कॉल मिस हो जाते हैं, आपने कॉल किया और आपका कॉल मिस हो गया, तो फिर जो है मैं आपको बकायदा एक SMS देता हूँ, कुछ इस प्रकार से SMS होता है, स्क्रीन पर लगा दिया है, आप जरा से देख लीजिए। और स्पेशली ये वीडियो उन सभी लोगों को देखना चाहिए जो अभी तक हमारे साथ मेंबरशिप प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए जानना जरूरी है, और इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको मेंबरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत जुड़ना चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, उससे पहले मेरे साथ हाथ जोड़िए और बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी, आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल वाला प्रेस करना है, साथ ही वीडियो को लाइक कर दो और ये नंबर है इसको आप शेयर कर लो, कभी भी आपके कोई काम हो, मतलब एनएस से जुड़ी हुई कोई भी आपकी परेशानी है, तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप घर बैठे सारी जानकारी ले सकते हैं, यानी आप परामर्श ले सकते हैं। ये मेंबरशिप क्या है इसके अंदर इस सारी बातें मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, स्पेशली ये मेंबरशिप वाला ही वीडियो है ताकि आपको पूरी डिटेल आपको पता चलना चाहिए। चलिए देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, समझिए होता क्या है कि आपको ध्यान देना है कि हवा और पानी ये क्या होता है, फ्री है, मुफ्त है, ठीक। लेकिन आपको पता है प्रदूषण इतना बढ़ गया है जिसके वजह से आज मार्केट में एयर प्यूरीफायर करके यानी कि हवा को शुद्ध बनाने वाला मशीन भी आ गया है, यानी अगर आज आप अच्छी हवा सांस लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी खर्च करने को तैयार हैं। अब पानी की बात करते हैं, पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, लेकिन जब कभी आप रोड पे जाते हो और आपको प्यास लगी होती है तो आपने देखा होगा कि आपको वहाँ पे पानी जो है खरीद के पीना होता है, बात समझ में आ गया। तो अब बात करेंगे पानी जो पिलाना पुण्य का काम था लेकिन आप जो है वहाँ पे खरीद के पी रहे हो, तो जो पानी बेचने के लिए वहाँ बैठा हुआ है वो भी तो एक व्यवसाय कर रहा है, उसकी वो रोजी रोटी ही वही है, ठीक। चलिए तो पानी और हवा ये भी इसके भी अब कीमत लगते हैं, और नॉर्मल सी बात है आप उसको देते हैं। अभी हम आगे चलेंगे, अब पहुंचेंगे टीचर पे भी पहुंचेंगे, लेकिन जरा और बातों को समझ लेते हैं। देखिए आप होटल में जाते हैं खाने के लिए, और जब खाने के लिए जाते हैं तो उसके बाद जो है आप उनको पैसे देते हो या फ्री में खा के आ जाते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खाने के बाद पैसे देते हो ना, ऐसा तो नहीं बोलते उनको कि यार हमने खाना खा लिया तुमको पुण्य मिल गया अब तुम पैसे क्या लोगे, अब जाओ, ऐसा तो नहीं है हम जा रहे हैं ऐसे ही, नहीं ना। तो नॉर्मल सी बात है आप होटल में जाते हैं खाना खाते हैं तो उसके बाद जो है आप पैसे देते हैं, बने रहिए जरा अभी आगे चल रहे हैं। इसके आगे सॉफ्ट ड्रिंक कि आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है, ऐसा आपने एड में भी देखा होगा, और एक फुटबॉल के खिलाड़ी थे उनका नाम क्या है आपको पता है ना, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए जिन्होंने कोक को उठा के साइड कर दिया था। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए, ये तो आप पीते हो ना, मेरा सवाल ये है कि कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं तो आप उसके भी पैसे देते हैं या फ्री में पीते हैं, दुकान में गए उठाए और पी लिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं, अब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर के पास जाने के बाद आप डॉक्टर को भी फीस देते हो कि नहीं देते हो, या गए या फिर उनसे बोला कि बता दो मेरे को ये तबीयत खराब है मेरी, बताइए मुझे कौन सी दवाई लेनी है, उन्होंने लिख के दे दिया, उनको बोला कि किस बात के पैसे, नहीं ना, आपने उनकी फीस दिया ना डॉक्टर को, दिया सही है ना, और देना भी चाहिए, चलिए अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब यहाँ बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की, आपको जो वीडियो देखना होता है उसका एक मंथली 6 महीने या ईयरली यानी 1 साल वाला जो है सब्सक्रिप्शन आप खरीदते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए अमेजोन प्राइम वीडियो हो गया, अब यूट्यूब, जैसे अभी आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं तो यूट्यूब का भी एक फीचर है प्रीमियम वाला, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जिसपे एड नहीं चलती, तो YouTube भी आपसे पैसे लेता है। और अगर चैनल की बात करें तो चैनल के अंदर ऑलरेडी ऑप्शन होता है मेंबरशिप का कि मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, तो उसके बाद कुछ स्पेशल वीडियो आपको जो क्रिएटर होता है वो आपको देता है, ये सारी बातें आप जानते हो, ठीक। बहुत सारे लोग जो YouTube पे वीडियो बनाते हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर YouTube वीडियो को मोनिटाइज ना करे, लोगों को पैसे ना दे उनके वीडियो के व्यूज के बदले में, तो कितने लोग वीडियो बनाएंगे यूट्यूब पे, ये मेरा सवाल आपसे है, यानी 100 में से केवल एक आदमी ऐसा बचेगा जिसको एड से कोई मतलब नहीं है, जैसे संदीप महेश्वरी जी को अपने एड से मतलब नहीं होता है उनकी वीडियो पे एड आए, तो इस तरह के होंगे लेकिन अधिकतर लोग जो है नहीं कर पाएंगे, मजबूरी है, ठीक। तो ये सब कुछ सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन अब बात आ जाती है टीचर की। एक टीचर वो भी इंसान है समझिए, अब वो आपने उसको फोन किया है उससे जानकारी लेने के लिए, और जानकारी कौन सी ले रहे हो आप? जानकारी वो ले रहे हो जो आपकी परेशानी है, आप जानकारी वो ले रहे हो जिसपे आपको परामर्श चाहिए, आप जानकारी वो ले रहे हो जो आपको घर बैठे चाहिए, कहीं आपको भटकना नहीं पड़ रहा है। लेकिन उस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए टीचर ने मेहनत किया है, वो आपको टाइम दे रहा है, आपके कॉल को रिसीव कर रहा है। नहीं तो यहाँ पे जो बाकी जो टीचर हैं, मेरा मतलब है बाकी जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप कॉल मिलाते हैं, उनका जवाब आता है कि हम आपके कॉल को रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं। हाँ, ये हकीकत है, वो जो कहते हैं हकीकत है, हमारे पास भी बहुत सारे कॉल आते हैं। लेकिन हमने आपके लिए मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया। मेंबरशिप प्रोग्राम का मतलब समझ पा रहे हो? मैंने अपनी जॉब ड्रॉप कर दी है, मैं जॉब नहीं करता हूँ, ठीक, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको परामर्श लेना है तो क्या आपको 300 पे नहीं करना चाहिए? 300 जो कि पूरे एक महीने के लिए 30 दिन के लिए होता है, आप 300 पे करते हैं, ये टीचर की फीस होती है, क्या आपको देना नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए मुझे, देना चाहिए ना? तो इसमें सोचने वाली बात क्या हो गई इतनी? अब बात आ जाती है कि ये जो 300 आप पे कर रहे हो, तो इसका हमने एक दूसरा तरीका भी बताया हुआ है आपको। दूसरा तरीका हो जाता है, आप मुझे कॉल वी फोर ऐप से भी बात कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप देखिए, ये कंसल्टेशन ऐप है, आप इससे परामर्श ले सकते हैं। और बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर आपको, और अलग अलग कंसल्टेशन ऐप आपको मिल जाएंगे जहां से लोग अपनी जानकारी लेते हैं। आज हम इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मेंबरशिप चैनल हैं, आपको पता होना चाहिए। और अभी केवल इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के लोग हैं वो भी मुझसे बात करते हैं और परामर्श शुल्क तो बिना पूछे पे कर देते हैं। मैं जब देखता हूँ मोबाइल में तो ये अमाउंट आया है, ये अमाउंट आया है, और फिर मेरे पास, मैं वेट करता हूँ, फिर उनका स्क्रीनशॉट आता है व्हाट्सएप पे, ठीक, तो फिर मैं कनेक्ट करता हूँ और उनको सारी जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। आपको सोचना चाहिए, प्लीज़ समझदार बनिए, दूसरों की इज्जत करना सीखिए। जब आप दूसरों की इज्जत करते हो ना, होता क्या है कि जब हम दूसरों को जो देते हैं वही वापिस हमारे पास लौट के आता है, ये प्रकृति का नियम है। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए, जब मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ कि आपको परामर्श चाहिए, 300 पे कीजिए, तो आपको पहले बता दिया, ठीक, तो जब पहले बता दिया तो यहाँ पे आपको पहले समझना चाहिए कि अब आपको कॉल करना है या नहीं करना। आपको मैंने ये भी बता दिया कि अगर 300 पे नहीं करना तो फिर आप मुझे कॉल वी फोर ऐप से कॉल करो। कॉल वी फोर ऐप से आप जो मुझे कॉल करेंगे तो उसके लगते हैं 10 रुपये पर मिनट के चार्ज। तो अब क्या आपके नज़र में, अगर आपकी ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, आपको हल्की फुल्की जानकारी चाहिए, तो 10 रुपये मिनट के लगते हैं, तो आप 2 मिनट बात कर लो, 20 रुपये आपके खर्च हुए, तो क्या आप ये भी नहीं समझते हो कि एक टीचर की वैल्यू आपके नज़र में 10-20 रुपये की भी नहीं है? ये सवाल मेरा आपसे है, तो प्लीज़ ध्यान रखे, अगर आप मेरे इस नंबर पर मुझसे बात करना चाहते हैं, मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए या फिर कॉल मी फॉर ऐप से बात कीजिए। ये जो कॉल मी फॉर ऐप से भी बात कर सकते, पूरी तरह से कानूनी है और सही है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।